दादा हाय बोलिए। हाय, ये हमारे दिलीप जी हैं जो कि हमने इनकी गाड़ी बुक की थी आज। आप जब कभी भी आए तो मैं इसका नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे उससे उनके नंबर पे कॉल करके उनसे आप बुकिंग करा सकते हैं। बहुत अच्छे नेचर के हैं और बहुत मजा आएगा आपको इनके साथ, बहुत फ्रेंडली नेचर है। यहाँ पे अभी हम ईस्ट सिक्किम की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में हमें एक व्यू दिखा, बहुत मस्त व्यू था। यहाँ पे हमने फोटोज वगैरह क्लिक कराई, आप पीछे देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा है। लगता है हम ऊपर आ गए हो और आसमान नीचे आ गया हो। आप बादल देख सकते हैं पीछे। ये जगह को आप कभी मिस ना करें, जब भी आप कभी ईस्ट सिक्किम की तरफ जाएंगे। ईस्ट सिक्किम में जैसे कि आपका बाबा हरभजन सिंह मंदिर हो गया और छंगू लेक हो गया, यहाँ पे रास्ते में आपको ये साइट सीन आप इंजॉय करते हुए जाएंगे। ये साइट सीन आप देखिए, यहाँ पे एक छोटी छोटी झील आपको प्रायः दिख जाएगी। तो हम पहुँच चुके हैं छंगू लेक। छंगू लेक ये रहा, और रियली यहाँ पे ठंड बहुत है, तो मैंने एक पतला सा जैकेट अपने घर से ही लेके आया था, तो वही मैंने अभी पहन लिया गाड़ी में। ये आप देखिए, ये रहा छंगू लेक। हालांकि अभी क्या फीलिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी शानदार व्यू मैंने आपको दिखाया। पे हमने फोटो शूट कराया और यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस में भी फोटो शूट करवाया हमने। और उसके बाद ये है 12,651 फीट की ऊंचाई पे बाबा हरभजन सिंह का मंदिर है। Thank you.
फाइनली हमारा बाबा हरभजन सिंह मंदिर का टूर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने छंगू लेक और बाबा हरभजन सिंह का मंदिर कवर किया, ऊपर और एक महादेव जी का मंदिर था वहाँ तक जा नहीं पाया, बहुत बारिश हो गई थी तो गीले हो गए हम और ठंड भी इतनी ज़्यादा थी कि हमें लगा ठंड होगी नहीं, लेकिन ऊपर आके पता चला कि यहाँ पे ठंड बहुत बढ़ जाती है। हालांकि ये सितंबर है, अभी उतनी ठंड नहीं है, अभी ज़्यादा बर्फ भी देखने को नहीं मिली। अगर दिसंबर या जनवरी में आते तो काफ़ी बर्फ होती इधर। है दिलीप जी, चलते हैं आगे, यहाँ से 2 घंटा लगेगा हमें होटल पहुँचने में ना, ज़्यादा ही लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा, कोई नहीं चला।